सुरेश कुमार खन्ना जी, गेस्ट ऑफ ऑनर श्री अनुराग सिंह जी, मिस्टर राहुल सोडन ऑफ फिटसी, डिग्नेटरीज ऑन एंड ऑफ द डायस, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं बैंगलोर से आया इधर। बैंगलोर एयरपोर्ट में अप्रोच करने का टाइम एक बहुत बड़ा होर्डिंग आपको रिसीव करेगा, उत्तर प्रदेश नहीं एक्सप्रेस प्रदेश, ऐसा एक बहुत होर्डिंग। एवरी टाइम व्हेनेवर आई रीच माय एयरपोर्ट मैं बड़ा होर्डिंग देखा, सो मैंने को एक इनविटेशन मिला एक्सप्रेस प्रदेश में आने के लिए। मैं एक दिन पहले आया, कल रात में इधर पहुंच गया, कारण आई डोंट वांट बी लेट हियर। सो हमारा एक्सपेक्टेशन है एक हाई स्पीड अप्रोच यूपी गवर्नमेंट भी डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर करे तो क्या बेनिफिट यूपी को प्लस पूरा इंडिया को क्या बेनिफिट मिला। बेसिकली एक माइंडसेट है मैन्युफैक्चरिंग डेवलप करे तो एक देश को डेवलपमेंट आएगा, ये सच नहीं है। अमेरिका में देखो मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन 18% है, लेकिन सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 78% है। अमेरिका में 2% के नीचे लोग एग्रीकल्चर में काम करता है, किसान लोग। मेरा बाप एक किसान है, अभी भी मेरा घर में 7 काउस है। आई एम टू गुड इन मिल्किंग काउस, वन शॉट आई कैन मिल्क 20 लीटर्स इवन टुडे, आई एम वेरी गुड इन दैट। बट मेरा पापा का लाइफस्टाइल देखने का टाइम मेरे को एक्साइटमेंट नहीं है। सो द पॉइंट इज 50% प्लस लोग हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर के पीछे है। ये पूरा लोगों का एक ही एक ड्रीम है, मेरे को एक ड्रीम मेरा पेरेंट्स दिया, गुड एजुकेशन इज इक्वल टू गुड जॉब इज इक्वल टू सक्सेस। बट लेकिन डेवलपमेंट गवर्नमेंट्स को भी, स्विट्जरलैंड ऐसा देश को भी 2% के ऊपर लोगों को गवर्नमेंट नौकरी मिलने के लिए देने के लिए पॉसिबल नहीं है। सो कैसे ये गवर्नमेंट इतना लोगों को इन्वॉल्व करेगा? सो द पॉइंट हियर इज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इज सर्विस सेक्टर बिजनेस, इज सर्विस सेक्टर बिजनेस। एक मैन्युफैक्चर, ये उत्तर प्रदेश है, मैं दक्षिण प्रदेश से आया, उधर 11th सेंचुरी में पेपर, आपको मालूम है पेपर, पेपर पेपर को 1 किलोग्राम को 1 ड्रैग्मा, एक टाइम में करेंसी का नाम ड्रैग्मा, 1 ड्रैग्मा था, 10 ड्रैग्मा था 1 किलो पेपर को 11th सेंचुरी में केरला पोर्ट में। ये सेम पेपर इजिप्ट में पहुंचने का टाइम 135 होगा, 135 ड्रैग्मा। मतलब केरला में पेपर का वैल्यू 0 था, इधर लोग पेपर यूज नहीं करेगा। मतलब एक लेबर एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने का टाइम, ये प्रोडक्ट परचेस करने के लिए लोग नहीं है तो ये प्रोडक्ट का वैल्यू 0 है। सो ये प्रोडक्ट को मैक्सिमम पैसा देने के लिए कौन तैयार है, ये लोगों को ये प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए, ये एक्टिविटी कौन करता है, एक ट्रेडर करता है। एक्चुअली ये ट्रेडर है तो एक प्रोड्यूसर को एक अच्छा प्राइस मिलेगा। इधर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में काम करना लोग का काम ये है, ये मैन्युफैक्चरिंग को रियल वैल्यू मिलेगा ये प्रोडक्ट राइट कस्टमर्स को पहुंचने का टाइम। इधर मेरा एक ही एक रिक्वेस्ट हियर, पॉइंट हियर इज लोगों का दिमाग में आइडिया है वो डायरेक्ट सेलिंग मतलब कुछ FMCG प्रोडक्ट, कुछ ब्यूटी केयर प्रोडक्ट, हेल्थ केयर प्रोडक्ट का बिजनेस है, ऐसा नहीं है। न्यूयॉर्क में जाओ इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट सेलिंग ने सेल करता है, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से आ रहा है। प्लस मैं देखा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, गैस कनेक्शन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आया है। सो इतना इंपॉर्टेंस है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को। सो हमारा पॉइंट है ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस यूपी में डेवलप हो गया तो क्या होगा, एग्रीकल्चर से लोग सर्विस सेक्टर में आएगा, देश को डेवलपमेंट हो जाएगा। सो ये पर्पस के लिए हमको एक हाई स्पीड अप्रोच यूपी गवर्नमेंट से मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट एक लॉ तैयार किया, ये लॉ में ऐसा बोला स्टेट गवर्नमेंट्स शुड कंट्रोल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। ये पर्पस के लिए वेरी क्लियर है,
एक स्टेट में आप आपका कंपनी रजिस्टर करो, ध्यान से सुनो, एक स्टेट में रजिस्टर करो, बाकी स्टेट में रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, बाकी स्टेट में इंफॉर्मेशन दे दो गवर्नमेंट को, मतलब रजिस्ट्रेशन एक ही गवर्नमेंट से काफी है। बट अभी तक एक सिंगल गवर्नमेंट भी ये पर्पस के लिए अभी तक एक सीरियस अभी तक नहीं दिया। कारण सिंपल है, एक स्टेट गवर्नमेंट का बड़ा ऑफिसर मैंने कहा, बोला अभिलाष एक रेगुलेटर को अपॉइंट करने के लिए, हमारा फाइनेंस मिनिस्टर है इधर, रेगुलेटर को अपॉइंटमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत खर्चा है, पैसा है, ये कारण से पैसा स्पेंड करने के लिए गवर्नमेंट इतना इंटरेस्ट नहीं है, ये कारण से रेगुलेटरी सिस्टम वर्क नहीं होगा। अदरवाइज ए रेगुलेटर शुड बी ए प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी फॉर गवर्नमेंट। माय रिक्वेस्ट इज यूपी गवर्नमेंट, एक हमारा बिजनेस रेगुलेट करने को बहुत बहुत इजी है, सिर्फ दो चीज चेक करना चाहिए, बाकी इजी है। ये दो चीज रेगुलेट करने के लिए यूपी गवर्नमेंट तैयार है तो मेरा पॉइंट है एटलीस्ट 200 कंपनीज यूपी में रजिस्टर करेगा। एक कंपनी को 5 करोड़ डिपॉजिट गवर्नमेंट को मिलेगा तो 200 कंपनीज मतलब 1000 करोड़ डिपॉजिट गवर्नमेंट को मिलेगा। एक इजीली 80 to 100 crores इंटरेस्ट मनी गवर्नमेंट को प्रॉफिट मिलेगा। ये पैसा का 10% भी नहीं चाहिए ये रेगुलेटर रन करने के लिए। ऐसा यूपी गवर्नमेंट करे तो पूरा हिंदुस्तानी कंपनीज यूपी में ये लोगों का कंपनी का रजिस्ट्रेशन करेगा। ऐसा करे तो